दादाजी रेलवे में थे गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में थे उसके बाद मेरे फैमिली में और भी चाचा ताऊ जी लोग रेलवे में हैं मेरे फादर ने भी कुछ टाइम रेलवे में काम किया था मेरे फादर अभी सिविल सर्विसेज में ही थे रिसेंटली रिटायर्ड वो यूपी पीसीएस में थे जब बेल्ट से अनलोडिंग हुई, तो हमने पाया कि दो से ढाई घंटे में ही एक वैगन खाली हो पा रहे तो इसमें कितनी स्मूथली मूव करते हैं ये हमारी इकोनॉमी को बहुत डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है वो रोड में हो या रेलवे में हो इंडियन uh, मास्टर भी मैं रेगुलरली फॉलो करती थी अभी भी करती हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स और अच्छे स्टोरीज मिलते हैं बहुत मिलती है। है so, cool. 2017 में मेरे थर्ड में में। मेरे मैंने uh, civil services exam किया था था। और मेरी 413 आई थी जिसमें मुझे Indian Railway Traffic Service हुआ था। स्वागत है आपका Indian Masterminds में। मैं अयोध्या। आज हमारे साथ एक ऐसी यानि Indian Railway Traffic services अधिकारी है जिन्होंने बेहद कम समय में अपने कई से बड़ा नाम कमाया है उनके एक बेहद महत्वपूर्ण और शानदार इनिशिएटिव्स के लिए अब उन्हें इंडियन रेलवे के सबसे बड़े पुरस्कार अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है हमारे साथ हैं 2017 बैच की आईआरटीएस अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव जो अभी डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर के पद पर, पर आगरा डिवीज़न में तैनात है स्वागत है मैम आपका और बहुत बहुत बधाई थैंक यू थैंक यू फॉर है मैम मेरा पहला सवाल यही है कि जब इस रेलवे के सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा हुई तो आपका रिएक्शन क्या था और आपको कैसे पता चला Uh, मैं तो uh, अभी लास्ट वीक छुट्टी पर थी एक फैमिली में इवेंट अटेंड कर रही थी तो काफ़ी सरप्राइजिंगली व्हाट्सएप पर ये लिस्ट आ गई थी uh, रेलवे बोर्ड से हमें शेयर की गई थी तो uh, बहुत सरप्राइजिंग लगा हम लोग uh, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है हमने तीन चार महीने पहले अप्लाई किया था uh, आप अपने काम को असेस करते हुए अप्लाई कर देते हैं बिकॉज वाई नॉट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्योंकि रेलवे में देर आर टेन्स ऑफ लैक्स ऑफ एम्प्लॉज उसमें से क्योंकि ये अवार्ड रेलवे uh, में एक हेल्पर टेक्नीशियन से लेके सीनियर लेवल के ऑफिसर्स तक किसी को भी मिलता है सो देर इज अज कॉम्पिटिशन तो बहुत सरप्राइजिंग था और बहुत अच्छी फीलिंग आई थी yes, मैम मेरा अगला सवाल है कि आपके किस इनिशिएटिव के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है वो इनिशिएटिव क्या है अगर उसके बारे में आप बताएं Uh, हमने अपने पूरे साल के कई सारे इम्पोर्टेंट कामों को इस अवार्ड के लिए हाईलाइट किया था uh, इसमें से एक इम्पोर्टेंट काम था गुड uh, शेड जो होते हैं माल गोदाम होते हैं हर शहर में जहां रेलवे से uh, दूर दराज से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट जो कोर आइटम्स होते हैं जैसे सीमेंट गिट्टी बालू अः फूड ग्रेन्स इनको लाया जाता है ज्यादातर गुड शेड्स आप देखेंगे काफी खराब काफी रूडिमेंट्री स्थिति में होते हैं जिनमें लेबर से ये सब ढुलाई की जाती है इससे दो प्रॉब्लम है एक तो आ, लेबर आ, काफी अनरिलाइबल होती है मुश्किल होती है इससे ना सिर्फ कस्टमर्स को और इकोनॉमी में डिले इंड्यूस होता है बल्कि जो ट्रेन है वो भी डिले होती है वो जो रेक होता है वैगन रुके रहते हैं और रुके हुए वैगन रेलवे के लिए प्रॉब्लम है असेट नहीं है तो हमने आ, ये सोचा था कि कन्वेयर बेल्ट एक बहुत ही सिंपल मेथड है उसको क्यों नहीं गुड शेड्स में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जिससे कन्वेयर बेल्ट की मदद से मैकेज तरीके से बहुत जल्दी अनलोडिंग हो जाएगी लोडिंग हो जाएगी और ट्रेन मूवमेंट स्मूदर होगा फास्टर होगा और ट्रेड कस्टमर्स को भी फायदा होगा इसके अलावा नॉन फेयर रेवेन्यू जैसे पब्लिसिटी केटरिंग uh, इस तरीके के, के uh, जो एवेन्यूज हैं उनमें भी हमने काफी अच्छा काम किया था लास्ट एक ईयर में आगरा डिवीजन ने uh, उसमें हमें अपने टारगेट से लगभग 200 परसेंट अधिक हमने अर्निंग की थी साथ ही एक अनादर मेजर फोकस एरिया था दिव्यांगजन के लिए स्पेशल uh, एमिनिटीज बनाने का तो हमने पोर्टेबल रैम्स ब्रेल साइनेजेस दिव्यांगजन के कंसेशन कार्ड्स के लिए एप uh, सिस्टम ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की थी शायद ये सारे कामों को देख के जैसा कि असेस किया जाता है मिनिस्ट्री लेवल पे उन्होंने uh, ये अवार्ड देना मैम अभी आपने अपने एक इनिशियेटिव की बात की और शायद इस इनिशिएटिव को सबसे ज्यादा कंसीडर किया गया जब इस पुरस्कार की घोषणा की जा रही थी कि आ, कन्वेयर बेल्ट प्रणाली ने वैगन में माल उतारने और चढ़ाने की जो है गति को बढ़ा दिया है और 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 और, और जो है बताया जा रहा है कि इससे वहां पर जोखिम भी काफी कम हुआ है और इससे लागत भी जो है काफी कम हुई है और लोडिंग अनलोडिंग में भी इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है तो ये क्या क्या है अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से बता सके Uh, जैसे हम आ, पढ़ते हैं कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया काफी पीछे है लॉजिस्टिक्स uh, कितनी स्मूथली मूव करते हैं ये हमारी इकोनॉमी को बहुत डायरेक्टली इंपैक्ट करता है चाहे वो रोड में हो या रेलवे में हो रेलवे में भी ट्रेन जो गुड्स ट्रेन है वो जितना स्मूथ मूवमेंट करते रहेंगे कहीं फंसेंगे नहीं उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा उतना डिमांड एंड सप्लाई के लिए अच्छा होगा Uh, होता क्या है कि जब आके में में रुकते हैं उनमें लोडिंग अनलोडिंग में काफी घंटे लगते हैं कई बार 40-45-60 घंटे तक अनलोडिंग करने में लग जाते हैं क्योंकि एक ट्रेन में आमतौर पे 42 से 45 डिब्बे होते हैं वैगन होते हैं अः uh, ये टाइम को हमने मेकेनाइज कन्वेयर बेल्ट लगा के आधे से भी कम किया। आम पे एक वैगन खाली करने के लिए नौ घंटे मिलते हैं रेलवे के नियम के हिसाब से बट इससे भी ज्यादा पंद्रह या सोलह घंटे एक्चुअली में लग जाते हैं और जिसका वो जिस पार्टी का मान लीजिए कोई सीमेंट कंपनी का अगर वैगन आया है तो उसको फिर पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है और रेलवे का भी लॉस होता है जब मैकेनाइज्ड बेल्ट से अनलोडिंग हुई तो हमने पाया कि दो से ढाई घंटे में ही एक वैगन खाली हो पा रहा है तो इसमें ना तो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ अनलोडिंग और और लोडिंग का टाइम बल्कि रेक्स जल्दी फ्री हुए डिमांड एंड सप्लाई भी इजी इजीली पूरी हो पाई मार्केट की रेलवे को भी बेनिफिट हुआ जी जी तो मैम अभी तक इससे जो है कितना फायदा हुआ इसका कोई आपके पास आंकड़ा है मतलब अभी क्योंकि आपका पायलट पायलट प्रोजेक्ट तो लगभग हो गया और अब शायद ये भी कहा जा रहा है कि रेलवे इसको और भी कई जगह पर अप्लाई कर सकता है अभी तक इससे कितना फायदा हुआ हमने एक साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट किया था क्योंकि हम आगरा डिवीजन में जमना ब्रिज और कुबेरपुर गुड शेड्स में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो हमें लगभग फिफ्टी सिक्सटी परसेंट टाइम की बचत एवरेज हुई इस प्रोजेक्ट से इसका इकोनॉमिकली कितना फायदा हुआ वो असेस कर पाना मुश्किल है क्योंकि एक रेक शायद दिल्ली से कोयंबटूर तक मूव कर रहा है या तमिलनाडु जा रहा है तो वो अलग अलग जगह रुकते हुए और लोडिंग अनलोडिंग करते हुए जाता है तो हम अपने डिविजन में इसको असेस नहीं कर सकते बट इसकी इफेक्टिवनेस जरूर रिकोगनाइज की गई थी क्योंकि अलग-अलग अलग-अलग से railway, अलग -अलग railway से रेलवे रेलवे हमें तो मैम अब इसको और कई जगहों पर जो है या इसको अप्लाई किया जाएगा ऐसी बात चल रही बिल्कुल आगरा के बाद इसको जयपुर जोधपुर नागपुर कई डिविजन में इम्प्लीमेंट किया गया और रेलवे बोर्ड इस तरीके की एक पैन इंडिया सभी गुड शेड्स में इसी तरीके से अनलोडिंग अच्छा, अच्छा, भी भी उसको भी डिस्कस किया गया रेलवे में वो था कि आगरा और मथुरा स्टेशन को आपने दिव्यांग लोगों के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल बनाया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये, कि ये इसको आपने किस तरीके से किया Uh, तो uh, दिव्यांगजन के लिए रेलवे uh, पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रेलवे स्टेशन पे वो uh, थोड़ा इनएडिक्वेट मालूम पड़ता है अगर आप देखेंगे रैम्प वगैरह होते हैं लेकिन हमने ये पाया कि लोग ट्रेन के अंदर कैसे चढ़ेंगे अगर आप व्हील भी ले, ले लेते हैं इवन सीनियर सिटीजन तो प्लेटफॉर्म पे तो लेके जा सकते हैं लेकिन ट्रेन के अंदर चढ़ाने के लिए कम से कम चार लोग चाहिए होते हैं जो उसको ऊपर उनको ट्रेन के अंदर बोर्डिंग करवाएंगे तो इस तरह के कुछ एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए ट्रेन uh, में प्लेटफॉर्म uh, से ट्रेन में चढ़ाने के लिए हमने पोर्टेबल रैम्प इंट्रोड्यूस किए जो प्लेटफॉर्म से एक सिंपल सोल्यूशन है एक रैम्प है जिसपे व्हील चेयर चढ़ के आराम से चली जाएगी और आपको चार कुली या चार सहायक नहीं चाहिए ट्रेन में चढ़ने right, के लिए सिमिलरली right, right. जो मूक पधेर पैसेंजर्स स्टेशन पे आते हैं ऐसे दिव्यांग पैसेंजर्स जो सुन और बोल नहीं सकते उनके लिए हमने फ्रंट लाइन रेलवे स्टाफ जो इंक्वायरी पे या टिकट काउंटर पे या टिकट चेकिंग करने का काम करते हैं टीटी वगैरह इनकी हमने साइन लैंग्वेज में ट्रेनिंग कराई ताकि वो अच्छा। बेसिक ट्रेन कब आ रही है किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है ये सब उनको बेसिक चीजों का जवाब दे सके ये लगभग हमने डेढ़ ऐसे स्टाफ की दो हफ्ते की ट्रेनिंग कराई थी जिसमें वो काम भर की बातें साइन लैंग्वेज में सीख गए थे इसके अलावा हमने स्टेशन पे

हाँ बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड है मेरे दादाजी रेलवे में थे गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में थे उसके बाद मेरे फैमिली में और भी आ, चाचा ताऊ जी लोग रेलवेज में हैं मेरे फादर ने भी कुछ टाइम रेलवे में काम किया था बट मेरा रेलवे में आना प्योरली कोइंसिडेंटल था मैं एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी और उसके बाद बाय चांस मुझे आई अलॉट हुआ एंड एम ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ इट जी जी

डेली uh, uh, से किया और वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद डेली uh, में ही प्रेपरेशन किया एक साल के लिए देन आई डिसाइडेड कि मैं घर पे आके 2016 में कि मैं घर पे आकर अब खुद से ही सेल्फ स्टडी करूंगी क्योंकि जितना मुझे डेली से सीखना था मैं वो सीख चुकी थी 2017 में मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया था और मेरी 413 रैंक आई थी जिसमें मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुआ था अच्छा और मैम मैम आपके आपके जो आ, फादर आपके क्या करते थे मेरे फादर अभी सिविल सर्विसेज में में ही थे थे रिसेंटली अच्छा, रिटायर्ड वो यूपी पीसीएस अच्छा, तो उनके साथ ही देख के हम उनको देखते थे उनका काम देखते थे तो आ, मुझे सिविल अच्छा, सर्वेंट्स बहुत, बहुत सोशली एंगेज रहते हैं है आपके काम में मुझे वो बहुत मैं स्टार्टिंग से ही सिविल सर्विसेज में आना चाहती थी जी जी तो मैम आपने 2016 में आपने प्रिपरेशन की और अब अब शायद उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना यूज नहीं होता था अब सोशल मीडिया का भी अब जमाना आ गया तो आप जो है कितना अब यूपीएससी में उसकी प्रिपरेशन में कितना चेंज आया है इसको आप किस तरीके से देखती yeah. uh, 2016, 17, जब मैं तैयारी कर रही थी तो इंटरनेट से तैयारी करना uh, का जो क्रेज uh, है वो बस शुरू हुआ था तो हम बुक्स से थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि सिक्सटी सेवेंटी परसेंट बुक्स पढ़ते थे और ट्वेंटी थर्टी परसेंट हम लोग इंटरनेट को यूज करते थे फिर धीरे धीरे आगे के अटेम्प में हमने देखा कि लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करने लग गए और इससे एक्सेसिबिलिटी पढ़ने की बहुत बढ़ी है आप अपने घर में रहते हैं नॉट एवरीबडी हैज टू गो टू डेली और लैक्स ऑफ रुपीज वहां खर्च कर नहीं करने पड़ते आप घर पे तैयारी कर सकते हैं बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है बहुत सारे लोगों की एक्सपर्टीज अवेलेबल हो जाती है जो बहुत ही अच्छा है लेकिन इसमें डिस्ट्रैक्शंस भी है अगर आप सिंसियर हैं आप वो डिस्ट्रैक्शंस टोटली अवॉइड कर सकते हैं एंड इंटरनेट डेफिनेटली इज अ बून फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन जी आ, जी और मैम आपका क्या मैसेज रहेगा जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी और जो लोग अभी यूपीएससी क्वालीफाई करके और फिर आईआरटीएस अधिकारी बनेंगे उनके लिए भी दोनों के लिए आप जो है क्या कहना चाहेंगी क्या मैसेज रहेगा uh... एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑलवेज गेट इन टू सर्विस फॉर द राइट रीजन आप बिल्कुल मत सोचिए कि इसमें इट इज नॉट नॉट एन ईजी जॉब टू डू आप ये मत सोचिए कि बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है या बहुत सारा पैसा मिल जाता है ऐसा नहीं है आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इट इज अ टफ जॉब इफ यू रियली लाइक टू बी इन सिविल सर्विसेज अगर आप कुछ सोशल करना चाहते हैं कुछ पॉलिसी में काम करना चाहते हैं एंड अगर आप मोटिवेटेड हैं तो तैयारी में आपको बस सिंसेरिटी रखनी है फोकस रखनी है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है होप नहीं लूज करनी है यू हैव टू हैव योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियर और आप आ, बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और अगर आपकी मोटिवेशन कंटिन्यूस uh, है जो लोग आई आई आना चाहते हैं आई आई टी एस नाउ बीन रिक्रिस्टेंड एज आई आर एम से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस उसका नाम कर दिया गया है रेलवे की सारी सर्विसेज कंबाइन कर दी गई है आई uh, आई ट्रैफिक सर्विस से और भी ज्यादा ब्रॉडन हो गया है इट इज वंडरफुल सर्विस रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं है रेलवे सर्विस uh, सेक्टर है इसको इस नजर आप uh, इसमें तो कंट्री uh, के लिए सर्विस मतलब प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं थैंक यू सो मच मैम आपने इतना सारा टाइम दिया और हमें उम्मीद है की आपका ये इंटरव्यू uh, लोगों को काफी पसंद आएगा और बहुत सारे लोगों को बहुत सीखने को भी मिलेगा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू वेरी मच और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि इंडियन मास्टर माइंड भी मैं रेगुलरली फॉलो करती थी अभी भी करती हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स और अच्छे स्टोरीज मिलते हैं बहुत मोटिवेशन मिलती है सो टू प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन थैंक यू सो मच है